An engine, is, an engine is tested by means of a water brake at one thousand RPM. The measured torque of the engine is ten thousand meter Newton, and the water consumption of the brake is zero point five meter cube per seconds. Its inlet temperature being twenty degrees Celsius, calculate the water temperature at exit, assuming that the whole of the इंजिन पावर इज अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड इन टू दिट्स विच इज एब बाय द कोलिंग वाटर करें कि सपोज एक इंजिन है इंजिन है जो कि मैं क्या कर रहा हूँ इसे वाटर जो ब्रेक है वाटर वाटर ब्रेक के के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं जो इंजिन है उसकी पावर को चेक कर रहे हैं कितना इसकी इफिसियंसी है उसकी इफिस जो पावर उसको चेक कर रहे हैं जो उसका जो कितना है एन है रेबुलेशन आर कितना है वन थाउजेंड आर है टर्क इंजन का टर्क कितना है टेन थाउजेंड है टेन थाउजेंड न्यूटन मीटर टर्क है ठीक है टेन थाउजेंड टर्क है जो वाटर ब्रेक है वो वाटर ब्रेक कितना वह जोता है वॉल्यूम जोता है जीरो पॉइंट फाइव मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है जो वह जीरो पॉइंट फाइव मीटर वाटर ऑब्जर्व कर रहा है तो उस वाटर ब्रेक में जो वाटर जा रहा है तो उसके इनलेट का टेम्परेचर मतलब वन टी वन की टेम्परेचर मुझे दिया है जब वाटर ब्रेक के बाहर जो निकलेगा तो एगजिस्ट टेम्परेचर निकला उसका मुझे वैल्यू पता करना है ठीक है और यहाँ पे बोल रहा है कि किसके द्वारा जो देखे कह रहा है कि एजूम एजूम डेट की होल ऑफ द इंजन पावर इज अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड इन टू हीट्स मतलब जो इंजिन है उसकी जितना पावर है जो भी पावर है वो टोटली जो होता है हीट में ट्रांसफर हो जाए देखिए ये हमको एज्यूम करके चलना है एज्यूम करके चलना है कि जो टोटल जो उसकी पावर है पावर जो भी है इंजिन की वो टोटली क्या हो जा रहा है वो क्या चीज में हीट में बदल जा रहा है ठीक है इसकी वैल्यू मुझे फाइंड पावर की वैल्यू क्या होता है पावर के फॉर्मूला होता है टू पाई एन टी बाई सिक्सटी होता है ठीक है और क्यू कितना एम सी सी बी डेल्टी होता है देखिए लेकिन यहाँ वॉल्यूम जोता है एम तो वॉल्यूम दिया है मीटर मीटर क्यू पर सेकेंड तो मुझे भी मास के लिए क्या करना है मास मास के जी पर सेकेंड करेंगे ठीक है तो देखिए तो मास पर सेकंड निकालने के लिए देखो मास देखिए मास इज कल टू क्या वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और दोनों को मुझे पर सेकंड करना है तो यहाँ भी पर सेकंड दोनों हो गया तो मास तो वॉल्यूम कितना जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन थाउज वन थाउजेंड तो ये हमारा मास निकल गया तो टू पाई एन 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 सॉरी तो टू पाई इंटू का वैल्यू है मेरा 1000 एंड टी का वैल्यू है टेन थाउजेंड ओके बाई 60 ओके एंड एम कितना है जीरो पॉइंट फाइव इंटू वन थाउजेंड और सी भी कितना है फोर पॉइंट टू इंटू टी टू मतलब जो हाँ फाइनल इनिशियल करेंगे चेंज इन टेम्परेचर टी टू हमारा जो एग्जिस्ट टेम्परेचर है टी वन जोता है मेरा ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस दिया है इनलेट पे देखिए यहाँ फोर पॉइंट टू जो है जो होता है जिसकी वैल्यू फोर पॉइंट टू क्या होता है किलोजूल किलोजूल पर केजी जी कैलविन होता है ठीक है इसका तो मुझे भी क्या करना इसे न्यूटन नहीं रखेंगे इसको को इसको हम टेंट पर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तब जाके किलो न्यूटन बन जाएगा जब इसे हम सॉल्व करेंगे जैसे टू तो यह वन जीरो इतना से तो यह हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और तीन वन टू थ्री से ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो मेरा टू इन पाई टू इंटू पाई टू इंटू पाई बाई सिक्स इंटू जीरो पॉइंट फाइव इंटू फोर पॉइंट टू जब इसे हम सॉल्व करेंगे टी टू माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ओके जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आया कितना आएगा जीरो पॉइंट फाइव आएगा मतलब फोर नाइन आएगा जिसके हम फाइव लेके चलते हैं और इक्वल टू टी टू प्लस ट्वेंटी डिग्री जब इसे सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे ओके जीरो तो जीरो पॉइंट फाइव प्लस ट्वेंटी इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा टी टू तो टी टू इज टू ट्वेंटी पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस होगा मतलब एग्जिस्ट टेम्परेचर जो है मतलब एग्जिस्ट का टेम्परेचर होगा ट्वेंटी पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस होगा थैंक्स okay,